हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और बड़ी भर्ती की नोटिफिकेशन। यहाँ पर अपडेट आ चुकी है, ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है, और इसका जो आवेदन है वो 23 फरवरी 2019 से शुरू हो जाएगा। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर वैकेंसी है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना, सारी बातें करेंगे विस्तार से। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज इन्होंने जोन वाइज बताई हैं। जैसे कि इन्होंने जूनियर इंजीनियर की एक वैकेंसीज बताई हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए। साथ में स्टेनो की भी बताई है इन्होंने, टाइपिस्ट की भी बताई है, और इसके अलावा इन्होंने अकाउंट्स की भी बताई है। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने बताई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस जोन में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पर नॉर्थ जोन की बात करें, तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की अपन नॉर्थ जोन में बात करें तो 1999 वैकेंसीज टोटल नॉर्थ जोन में। वहीं अगर अपन बात करें साउथ जोन की, तो साउथ जोन में भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 540 के अराउंड वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल। वहीं ईस्ट जोन में अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 538 वैकेंसीज है, और वेस्ट जोन में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी 735 देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपन बात करें नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 291 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है। ये इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन्होंने डिसेबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया कि आपका कितना डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो अर्न मार्क्स हैं वो सारे इन्होंने बेंचमार्क्स वगैरह डिसेबिलिटी सब कुछ यहाँ पर आपको बताया, डिस्क्राइब किया, आप देख सकते हैं। साथ ही अगर इन्होंने आगे जो आपको बताऊँ कि इन्होंने, हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बात करें, तो यहाँ पर जो इन्होंने मांगा है वो इन्होंने ऐसे कहा है कि अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल में, तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपको एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप बी पोस्ट की फॉर्म भर सकते हैं, और डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर। मतलब अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आपके पास में एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो इन्होंने कहा है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स, मतलब इंजीनियर्स अगर फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। वहीं बात करें स्टेनो सेकंड ग्रेड की, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले हैं वो इसको भर सकते हैं, जिनके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ में एजी सेकंड की जो पोस्ट है डी नंबर की, उसमें एसेंशियल क्या है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट। मतलब जिस भी स्टूडेंट के पास में कॉलेज के टाइम पे हिंदी मेन सब्जेक्ट था वो इसको एजी सेकंड को फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसकी, और 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और वाइस वर्सा, मतलब आपको इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हिंदी टू इंग्लिश, दोनों में से, मतलब दोनों होनी चाहिए साथ में। और डिज़ायरेबल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं वो डिज़ायरेबल हैं। मतलब ये नहीं है इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होनी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप एज अ इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही टाइपिस्ट की बात करें, तो टाइपिस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट होने चाहिए, 30 वर्ड्स पर स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी की। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नोइंग बायलिंगुअल टाइपिंग, अगर जो दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकता है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज वालों को। AG3 जनरल की डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी जिसके पास में उसको इस ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अकाउंट्स में कॉमर्स रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो AG3 अकाउंट्स वाला फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पोस्ट और भी हैं। जैसे टेक्निकल वाले की बात करें, तो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं, BSc विद वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम
फॉलोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ये जो नीचे दिए, बोटैनी दिया हुआ है, जियोलॉजी दिया हुआ है, बायो टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, बायो केमिस्ट्री दिया हुआ है, माइक्रो बायोलॉजी दिया हुआ है, फूड साइंस दिया हुआ है। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास में ग्रेजुएशन में था तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने बीटेक बी इन फूड साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आप देख सकते हैं आप किसके लिए एलिजिबल हैं, वो पोस्ट आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है किसी भी एक जोन से। अगर आपने दो जोन से अप्लाई करा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं आप एक ही पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन ऑफ जोन, आइदर नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मतलब आप सिर्फ एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विद इन द जोन, जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। वहीं उसके बाद में आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, और इसके और इंस्ट्रक्शंस मैं आप अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आइए आप। इसका पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें आगे इन्होंने क्या कुछ कहा है, हाँ जी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ऑनलाइन टेस्ट में फेज़ वन में क्या क्या आएगा, फेज़ वन में आपके पास में आएगा इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों जो भी स्टूडेंट RRB JEE की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है CBT 1 और CBT 2 का, तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है जो FCI की प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स होगा, इंग्लिश की भी हम डालने की कोशिश करेंगे, साथ में टेक्निकल का कोर्स भी कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये तीन सब्जेक्ट में आपका पेपर होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे कितने, 30, 35, 35, और मार्क्स कितने होंगे वही होंगे, और नेगेटिव मार्किंग मतलब यहाँ पर है 1/4, और ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है। 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। वहीं फेज़ टू की बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 होगा, मतलब यहाँ पर 1 पेपर एग्ज़ाम होगा, एक ही पेपर देना पड़ेगा, और कौन कौन सी पोस्ट के लिए, FIEC के लिए, ठीक है, इनके लिए एक पेपर देना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ बता दूंगा, जो फेज़ वन पेपर हो रहा है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने साफ दिया है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज़ वन विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द फाइनल मेरिट, मतलब फाइनल मेरिट रैंकिंग में आपके ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें कि जो 2 पेपर फेज है वो है कौन कौन सी पोस्ट ए और पोस्ट बी के लिए, इसमें क्या होगा कि आपका सबसे पहला एक पेपर होगा, उसके बाद में दूसरा पेपर होगा कंटिन्यू, ठीक है। और ये देखिए पेपर 3 और 4 किसके लिए होगा, हिंदी वालों के लिए होगा। यहाँ पे आप ये इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद में अगर आगे अपन बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया फेज़ वन में, जो अपन ने सेकेंड जो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करके आएगा उसके बाद में फेज़ वन पेपर होगा, और फेज़ वन में 120 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और ये रीजनिंग और ये नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फेज़ टू में आपका टेक्निकल आएगा, वहीं आप यहाँ से टेक्निकल का सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या क्या टेक्निकल में आपके आएगा, ये सारे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये वाले सारे, ये आपका टेक्निकल का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। पेपर 3 वालों जो पेपर 3 के लिए एलिजिबल हैं उनका देख लीजिए। उसके बाद में इन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस को भी पढ़ लीजिएगा आप एक बार, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी गाइडलाइंस दी हुई हैं तो आपको एक बार पूरा नोटिस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ें तो अपन देखते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप 18+ होने चाहिए, ये तो कॉमन है जो आप एक बार देखने पर समझ में आ जाएंगे। आपको थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है फॉर्म को। हाँ, इससे पहले इन्होंने ये बताया कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होना है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख के स्टेट बताया हुआ है और इन्होंने सेंटर बताया हुआ है कि सेंटर कहाँ कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप अपने सेंटर देख लीजिए, आप जहाँ से भी हो उसी जोन से अप्लाई करें। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने नीचे दिया हुआ है, प्रोसेस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये देखिए ये दिया हुआ है इन्होंने क्या कहा है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फ़ी और डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड,
कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, मतलब कैंडिडेट्स 23 फरवरी 2018 से 10 बजे से भर सकते हैं और 25 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में स्कैन डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, एक तो फोटो चाहिए, एक ब्लैंक इंक पेन से साइन किया हुआ सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लू और ब्लैंक इंक का होना चाहिए। हैंड रिटन मतलब एक डिक्लेरेशन भी आपको फिल करना है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। और डिक्लेरेशन ये रहा आपका कि आई, इसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड, आई विल बी प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरीके से ये आप सारे देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि फीस नॉन रिफंडेबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रजिस्टर करना है आपको तो कैंडिडेट को FCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.fci.gov.in पर और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, मैं इसका एक लाइव आपके लिए बना दूंगा वीडियो स्पेशली। और अगर बात करें फीस पेमेंट की तो यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए कहा गया है द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट एनी वन विद इन द जोन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500, द पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड, मतलब आपको ₹500 पे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर देख लें फोटो अपलोड करने से पहले, सिग्नेचर अपलोड करने से पहले। अगर कोई भी इशू आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं कंप्लीट करते हैं। इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।